ने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ ना जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। अरे बाबा, हर चीज लोकल है बाबा, न जाने इस मुल्क के लोग ना बाबा कब सुधरेंगे, हर चीज में दो नंबरी बाबा, हर चीज लोकल, हर चीज में मिलावट बाबा, पता नहीं क्या होगा। अरे क्या हो गया बच्चू, किस चीज में मिलावट? अरे बाबा हर चीज में मिलावट ही मिलावट है, खासकर बाबा खाने की चीजों में, मार्केट में जाओ बाबा कुछ भी खालिस नहीं मिलता, हर चीज लोकल और दो नंबर मिलती है। बच्चू आप बात तो बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? बाबा क्यों नहीं कर सकते हैं? अच्छा तो क्या करेंगे? अरे बाबा मैंने सोच लिया है, आज से सब लोकल चीजें इस्तेमाल करना बंद। सब? हाँ बाबा सब, ना खाने में, ना पीने में, ना पहनने में, ना ओढ़ने में, बाबा कुछ लोकल इस्तेमाल नहीं करूंगा। बच्चू आपको नहीं लगता कि आप ओवर रिएक्ट कर रहे हैं? अरे नहीं बाबा, मुझे नहीं लगता है कि मैं वो ज्यादा क्या कहते हैं बाबा ओवर कर रहा हूँ, नहीं। अच्छा तो छोड़ें फिलहाल इस बात को और चलें चल के नाश्ता करें। बाबा लेकिन मैं अपनी बात में ना अटल हूँ, मैं बता दूँ बाबा पहले। अच्छा अच्छा चलें नाश्ता तो करें पहले। जानी ये क्या हो गया भला, तुम इतने सारे मेज में बर्तन क्यों रख रहे हो बाबा? अगर अब तुम प्लेटें लेकर आए ना तो सारी तुम्हारे सर पे उंडेल दूंगी। हाय हाय आराम से, इतनी गुस्सा। अच्छा ये बताए नाश्ता क्या करेगी? बाबा नाश्ता करने के लिए ना नाश्ता जरूरी होता है। नाश्ता कब लाओगे? अरे वो तो मैडम ने मना किया हुआ है, जब तक मैं ना हूँ नाश्ता नहीं लगाना, आप सारा खा जाती है क्या? वो देखो मैडम भी आ गई और बच्चे भाई भी आ गया। जानी जी तुमने नाश्ता क्यों नहीं लगाया अभी तक? अरे मैंने हलवा पूरी और छोले बनाए। अरे बाबा जानी इतना लोकल नाश्ता, अच्छा आपको तो हलवा पूरी बाबा पसंद है? अरे बाबा है नहीं, पसंद थी बाबा, अब मैं जो खाऊंगा बाबा क्या खाऊंगा? इम्पोर्टेड खाना। बाबा एक्चुअली बच्चे ने डिसाइड किया है कि वो अब लोकल कुछ भी नहीं खाए पिएंगे, सिर्फ इम्पोर्टेड खाएंगे। और नहीं तो क्या बाबा? सिर्फ खाने में ना? अरे नहीं बाबा, खाने में, पहनने में और हर चीज में बाबा। फिर तो दिखने में आप बिल्कुल लोकल लग रहे हैं, ये भी चेंज करना पड़ेगा। हाँ बाबा बिल्कुल सही कहा तुमने, एक काम करो बाबा ये लिस्ट मैंने बनाई हाथ आके लाओ। पकड़ो बाबा, बाबा ये ले आओ बाजार से जाओ। अच्छा ठीक है मैं बच्चू भाई का सामान लाता हूँ, आप लोग नाश्ता करें और आप पानी पी लें। अरे नहीं बाबा पानी भी अब मैं इम्पोर्टेड पीऊंगा बाबा, ये तो लोकल होगा ना पानी घर में। फाकू में मर जाएगा बच्चू। बाबा मैं अपने कमरे में, बोलो बोलो कुछ कह रही थी आप? नहीं, अदा का दिमाग तो नहीं घूम गया कहीं? हाँ ज़रीना बिल्कुल तुम्हारी तरह, चुप कर। अरे बाबा जानी कहाँ रह गया है बाबा, भूख लग रही है इतनी बाबा। अदा बाबा हाँ। अरे भला क्या हो गया, ये सुबह सुबह घर में इतनी चेल कदमी क्यों कर रहे हो? अरे बाबा जानी को भेजा है चीजें लेने के लिए, अभी तक आया जानी के नहीं? नहीं वो तो नहीं आया, उसका फोन आया था। आपने खाने में जो सामान मंगाया ना बाबा वो तो मिल नहीं रहा, सब लोकल है। अरे बाबा वही तो सबसे जरूरी आइटम है। लेकिन मैंने उसको बता दिया बाबा कि क्या लाना है। अच्छा बाबा क्या मंगवाया है? वो जो अमीर लोग खाना खाते हैं ना, जो बाहर से मंगाते हैं, इम्पोर्टेंट खाना। अरे बाबा ये सुनकर तो अभी से मेरे पेट में कुछ कुछ हो रहा है। अरे बाबा पेट खराब है तो बोलो तो मैं दवाई मंगा लूं। अरे नहीं बाबा भूख से कुछ कुछ हो रहा है। अच्छा 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 हाँ बाबा जा तू जाके देखना जानी आया नहीं आया बाबा, बहुत भूख लगी है। अच्छा अच्छा सफर करो, ये मुआ बिना सामान लेके लिए भेजो तो पता नहीं कहाँ घूमने के लिए चला जाता है। अरे बाबा ये तो लोकल चीजों का बायकॉट अभी से महंगा पड़ रहा है, आजा जानी। अरे बाबा जानी, अरे जानी बाबा। जी 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 जी, जी। बाबा ये क्या उठा कर ले आयो बाबा? अरे जो इम्पोर्टेड आइटम मिला मैं ले आया, और वैसे भी इम्पोर्ट पे तो पाबंदी है बाबा। ये क्या होती है?
बच्चू भाई अपने मुल्क की चीजें भी इस्तेमाल किया करें। अरे नहीं बाबा, मैं सिर्फ इम्पोर्टेड चीजें इस्तेमाल करूंगा बाबा। और बाबा वो नाश्ते का क्या हुआ बाबा, अब तो दोपहर के खाने का वक्त हो गया है। अरे बच्चू वो मैं नाश्ता लगवा रही हूँ डाइनिंग टेबल पे। बस बाबा आप नाश्ता लगवाओ, मैं अभी कपड़े बदल के आया। अरे बच्चू पहले नाश्ता तो कर ले, सुबह से कुछ भी नहीं खाया आपने। वैसे भी कपड़े बदल के कौन सा आपने फैशन शो में जाना है। अरे नहीं बाबा नहीं, तुम नहीं समझोगे जानी बाबा, बस तुम लगाओ नाश्ता, मैं यूं गया और यूं आया। सुनो जाने मैं क्या करूं बच्चू का। मौलाना साहब कुछ नहीं कर सके तो आप क्या करेंगी। अच्छा चलो तुम नाश्ता लेकर आओ जल्दी से। चल मैं। अरे कौन आ गया ऐसा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। शब्बन भाई घर में चैन नहीं है क्या। जानी भाई क्या बच्चू भाई दूसरी शादी कर रहे हैं। नहीं तो क्या हुआ। सुबह से बड़े दूल्हा बने हुए फिर रहे हैं। अरे वो तो उनकी आदत है ऐसी कभी कभी तैयार होने की। वैसे आप किस चक्कर में आए। अरे हाँ यार वो चीनी चाहिए थी, जरा चीनी दे दो भाई। वहाँ छाबड़ी होटल है, वहाँ से चाय पी लो। आपके मशवरे का शुक्रिया लेकिन चीनी तो दे दो ना। मैं तुम्हें चीनी दूंगा ना मैं जापानी ताइवानी दे दो। चीफ इंसान चलो। अबे वहाँ कहाँ जा रहा है, वहाँ होटल। अबे मैं तो तफरी कर रहा था। पागल आदमी है अभी। बाबा ये क्या है। अदा ये अमीरों का नाश्ता है बाबा, मैंने खास तौर पे आपके लिए मंगाया है। अरे अदि क्या हो गया है, दूध के साथ ये चेवड़ा कौन खाता है बाबा। अरे बाबा क्या हो गया है, मैंने अंग्रेजी फिल्मों में देखा था सब यही खाते हैं। अरे बच्चू आप ही ने तो कहा था अब सिर्फ इम्पोर्टेंट खाना खाऊंगा, अब इम्पोर्टेंट तो यही है ना। और अगर कहें तो फिर मैं हलवा पूरी ला दूं आपको किचन से। नहीं नहीं बाबा बाबा यही खाऊंगा बाबा मैं। अदा कैसा लगा बाबा। बहुत अच्छा है। अरे बाबा ये अंग्रेज लोग भला ये सब कैसे खा लेते हैं। लेकिन बाबा मेरे को तो ना हलवा पूरी कचौरी पराठे देसी घी में बनी हुई रोटी इसके बिना तो बाबा मेरे को मजा ही नहीं आता। अरे जानी मुआ नाश्ता लेकर आ जाओ बाबा, कब लाओगे। एक्चुअली मसला ये है कि जानी को दर्जन भर पूड़ियां तो बनानी है। क्यों भला कोई मेहमान आ रहा है। हाँ एक मेहमान है ना हमारे घर में, वो भी बिन बुलाया और यही मुकीम होके रह गया, और उसके लिए तो दर्जन भर भी कुछ भी नहीं है। बाबा मेरी नजर में तो ऐसा कोई भी नहीं है। अदा साईं आप क्या ऐसे मेहमान को जानते हो। अरे अदि मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ, अगर वो मेहमान नहीं भी मिला ना या नहीं भी आया तो तुम खा जाओगी। अरे भला आपने तो अभी तक बाबा खाया ही नहीं। चलो भला ठीक है, जब तक मेरा नाश्ता नहीं आता मैं थोड़ा सा खा के गुजारा कर लेती हूँ। खाओ बाबा खाओ। वाह रे वाह क्या बात है। अरे तुम लग जाओ आज से हमारी दोस्ती खत्म है। यार बच्चू तू पागल हो गया है, ब्रांड के चक्कर में तू हमसे रिश्ता तोड़ रहा है। अरे बाबा तुम लोगों को क्या पता बाबा, ब्रांडेड चीज ब्रांडेड होती है, ब्रांडेड का मजा ही अलग है बाबा। यार बच्चू अब अगर तुम ब्रांडेड चीजें ले ही रहे हो तो लोकल चीजें किसी और को देने से पहले हमसे जरूर पूछ लेना। अरे बाबा क्या बात करते हो, दिमाग खराब हो गया कि तुम लोगों का। चलो बाबा निकलो यहाँ से, चलो जाओ। दोस्त भी इम्पोर्टेड। अरे बाबा जाओ निकलो यहाँ से, मुझे कोई दोस्त कोई चीज लोकल नहीं चाहिए बस। चल भाई चले, लगता है ये वाकई हमसे बात करने के मूड में नहीं है। अच्छा बच्चू जब नशा तोड़ जाए तो हमको बुला लेना, हम आ जाएंगे, हम फिर से आ जाएंगे। हाँ ठीक है बाबा जाओ जाओ बाबा। ठीक है जाओ। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। ये बच्चू भाई को पता नहीं क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रहते यहाँ है लेकिन चीजें इम्पोर्टेड चाहिए। हाँ मुझे उस दिन कह रहे हैं सीरियल ला के दो, वो भी इम्पोर्टेड। मैंने भी पता क्या किया, लोकल वाला खरीद के दे दिया। इनको कौन सा पता लोकल कौन सा और इम्पोर्टेड कौन सा है। चल अच्छा फिर बाद में बात करता हूँ, चल ओके। अरे मैडम आप। जानी मैं तो खुद बहुत तंग हूँ बच्चों की हरकतों से, अच्छा किया तुमने बात संभाल ली। अरे भाई बात खाने की होती तो ठीक थी, बात पानी तक पहुंच गई है, वो भी इम्पोर्टेड चाहिए। अब बताइए मैं इस टाइम कहाँ से लेके आऊँ। अरे वो तो मिल जाएगा, इस सामने वाले मार्ट पे जाओ वहाँ से मिल जाएगा। मैडम एक काम करते हैं, नल से भर के बोतल दे देते हैं और कह देंगे इम्पोर्टेड है, कैसा। जानी एक चीज पे माफ कर दी इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोबारा वही हरकत करो। मैडम मैं तो मजाक कर रहा था वैसे थी। अब से जो बच्चों कहेंगे वही होगा, सारी असली चीजें यानी ओरिजिनल इम्पोर्टेंट चीजें लेकर आना, समझे। ठीक चीजें। चल बेटा अब इस घर में सिर्फ इम्पोर्टेंट ही चीजें चलेंगी।
क्या हाल है भाई, क्या हो रहा है? चपन भाई देखने नहीं गाड़ी साफ कर रहा हूँ। तो गुस्से में क्यों, तुम भी अपने मालकान की तरह बावला हो गया क्या, वो भी गुस्से में रहते हैं? चपन भाई जाएं अपना काम करें, मुझे काम करने नहीं अपना। अदाब आपके लिए, गाड़ी कहाँ से इंपॉर्टेंट करे बाबा। अरे बाबा मुझे नहीं पता है लेकिन मैं अपनी गाड़ी में नहीं जाऊंगा। मगर अदाब। अरे अगर मगर कुछ नहीं बाबा, मेरी बात जो है ना वो हर्फ आखिर है, बस टल नहीं सकती है। अरे क्या बहस हो रही थी तुम दोनों बहन भाइयों में? अरे बाबा तुम्हारे आते ही खत्म हो गई बोर्डम। चलो बोला मैं बता देती हूँ, अदा को बाबा कहीं जाना है, वो कह रहे हैं कि मेरे को इम्पोर्टेंट गाड़ी में जाना है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मैं अदा की इसी इम्पोर्टेंट बीमारी से बाबा तंग आ गई हूँ। क्यों? अरे बाबा देखो ना, अब पिछले साल उनकी सालगिरह थी, मैंने उनको एक घड़ी दी थी। मेरे को कहते हैं कि बाबा ये घड़ी अपनी संभालो, मैं नहीं पहनूंगा क्योंकि ये लोकल है। बताओ भला। अरे घड़ी तो उन्होंने पहनी हुई थी, तुमने देखी नहीं? नहीं बाबा मैंने तो उनके हाथ में कोई घड़ी नहीं देखी। वो जो 2 साल पहले मैंने दी थी। उसमें भला ऐसा क्या है? ब्रांडेड घड़ी है वो जरीना, मतलब इम्पोर्टेड घड़ी। इम्पोर्टेंट घड़ी है वो, बढ़िया इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट, इस लोकल मुंह वाले को ब्रांडेड चीजें देगी। अरे मैं भी भला क्या करूँ, अपने अदा की बुराइयां खुद ही करी। बाबा अदा मेरे को माफ करना, बाबा माफ करना, इस फितना औरत के जैसे ना पता नहीं मेरे मुंह से क्या क्या निकल जाता है। उफ। आ गया आ गया। आप कौन लोग? जानी गुड माय फुट। अरे बाबा तुम गरीब आदमी हमारे रास्ते में बाबा कैसे आ गया है? अरे भाई कौन हो आप लोग और इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो? जानी गुड माय फुट, हमें अंदर जाने दो, गरीब का औलाद बाबा छोड़ो। जल्दी में काफी नन्ही मुन्नी गाड़ चुन ली, चलो। अरे अरे ना ये कौन है भाई? ये कौन है रंदा? कैसे जानी, ये साहब कौन है और अंदर कैसे आ गए? अंग्रेजी बोल रहे थे, मैं अंदर ले आया। क्या मतलब है जानी, कोई भी अंग्रेजी बोलेगा और तुम उसे अंदर ले आओगे? अरे अंग्रेजी तो हमारी कौमी जबान है। जानी भला ये अंग्रेजी हमारी कौमी जबान कब से हो गई? अरे जब से अंग्रेज अलहदा हुआ, मेरा मतलब है बच्चू भाई जब से ब्रांडेड हुए। अरे बाबा मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, किन जाहिलों में फंस गई हूँ मैं? आप बताएं कि आप हैं कौन? अरे सीमा बाबा व्हाट द हेल, मुझको नहीं पहचानती हो क्या? अरे बाबा ये तो बाबा सही से मिले रहे। जोली गुड माय फुट, बाबा ये है मेरी असल डॉटर। बाबा साईं, लेकिन ये आपको हुआ क्या है? अरे बाबा डॉटर इन ला, मैं तो इम्पोर्टेड हो गया हूँ बाबा। अरे बाबा ये कौन साहब है? आपके बाबा साईं है। बाबा खबरदार, इस फिरंगी को मेरे बाबा साईं की बराबरी दी तो। अरे बच्चू ये आप ही के बाबा साईं है। हैं बाबा ये मेरे बाबा साईं है। अरे बाबा ये बात मुझसे आज तक छुपाई सबने। अरे अदाब को क्या हो गया, ये हमारे बाबा साईं है, बोलू बोलू क्या? अरे बाबा ये बाबा जानी को क्या हो गया है? व्हाट बाबा साईं, कॉल मी डैडी कूल। डैडी कूल? इतना कूल? क्या बात? नहीं बाबा। अरे बाबा ये घर के अंदर किधर जा रही? अरे बाबा ये दूध और चेवड़ा ना बाबा, थोड़ी देर की भी भूख नहीं मारता है। बच्चू सारी जिंदगी चक्की का आटा घी और मक्खन खाया है, ये सब आदत एकदम थोड़ी बदलेगी? हाँ बाबा बदल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा, बस हर चीज ना इम्पोर्टेड होनी चाहिए। बच्चू ये सब कैसे ठीक होगा और कब तक चलेगा? अरे अच्छा हो आदि तुम आ गई हो बाबा, वो बाबा जानी कहाँ है? आपका मतलब है कि डैडी कूल? हाँ बाबा वही वही, क्या हो गया बाबा जानी को? वो जो आपको है ना शायद उनको भी वही हो गया है। अच्छा अच्छा ठीक है फिर, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है ना। अच्छा ये सब आदत छोड़े, मुझे बताएं आप खाना खाएंगे? हाँ बाबा बहुत भूख लगी है। मैं लेकर आती हूँ आपके लिए। अदा साहिब बाबा साहिब कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं हो गए? क्यों बाबा क्या हुआ है? अरे आपने देखा नहीं जब बाबा साहिब आए थे तो उनके साथ 2 छोकरियां थी और वो 2 छोकरियां बाबा साहिब की जान ही नहीं छोड़ी बाबा, उनको चिपक गई हैं। अरे बाबा मैं तो समझा कि वो उनकी मुंह बोली बेटियां हैं। अरे भला मुंह बोली बेटियां कैसे हो सकती है? चल के देखो ऐसा ना कि अपन लोगों की सौतेली माँ बन जाए वो। अरे बाबा क्या बात करती हो, चलो बाबा चल के देखते हैं। कुछ कुछ मीठा कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। कुछ
कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। Twinkle, twinkle, very far, you are my moon. I'm your star. Oh my Molu, you're so funny. Hey. अरे बाबा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मोला दाद साईं को मोलू कहने की? हाँ बाबा यह हमारी अम्मा साईं को है बस। Johnny my foot, what अम्मा साईं बाबा साईं? अरे बाबा तुम लोगों क्या कोई मजार पे आ गए हो क्या? बाबा जानी? Call me the Molu, Molu the killer. मैं समझ गई हूँ कि मामला क्या है। क्या बाबा क्या? अरे बाबा साईं ने किसी का कत्ल कर दिया तभी तो ऐसे होले में आए। अरे बाबा लेकिन तुमको कैसे पता? अभी कह रहे थे ना किलर किलर। लेकिन बाबा उन्होंने तो एक बार किलर कहा था। अरे बाबा तो एक ही बंदे का कत्ल किया होगा ना। अरे बेवकूफो ये वाला किलर नहीं है। अरे बाबा तुम सारे किलर्स को जानती हो। अरे मेरा मतलब ये है कि वो खुद को आजाद ख्याल बोल रहे हैं। अरे बाबा ऐसी आजादी से तो बंदा जेल की कैद में सही है। ठीक है ठीक है। Come on, Molu, let's go for a party. Okay, baby, come on. बाबा ये imported बनना तो बहुत महंगा पड़ रहा है। तो तुम खुद ही कह रहे थे? अरे बाबा लेकिन मेरी हरकतें ऐसी तो नहीं है ना। ठीक है लेकिन है तो हमारे ही बाबा साई ना बाबा। हाँ बाबा ये तो मैंने सोचा ही नहीं है तो हमारे ही बाबा साई। अब क्या होगा? पार्टी। बाबा साई मैं आऊँ क्या? नहीं मैडम कुछ करें, अजीब फरंगी माहौल चल रहा है, बता रहा हूँ आपको। अरे जानी बाबा वो बाबा जानी किधर है? You mean daddy cool? हाँ बाबा। अच्छा वो सब बातें छोड़ें, मैडम कह रही थी कि आपको खाना देना है। अरे बाबा पहले क्यों नहीं बताया बाबा, जाओ लेकर आओ, भूख से जान निकल रही है। मैं अभी लाता हूँ। इस पेंट शर्ट में तो बाबा सांस भी नहीं आ रही खुल के बाबा। अरे अदाब बाबा साहब की, ये इम्पोर्टेंट बीमारी बाबा ठीक करो। ज़ैना ये कैसे उतारेंगे, ये तो खुद इसी बीमारी में मुबतला है। अरे बाबा हेलो एवरीवन बाबा। अदा साई मैंने बाबा साई को बाबा इससे पहले तो कभी इतनी इंग्लिश बोलते हुए नहीं सुना। अरे यदि इतनी प्यारी कंपनी होगी तो इंसान अंग्रेजी क्या बाबा चाइनीज भी सीख जाएगा है। कंपनी? अरे बाबा हमारे बाबा साई के तो भैंसों के बाड़े हैं। ये लीजिए ये लीजिए। अरे बाबा फिर वही सीरियल बाबा, इतना लंबा तो टीवी पे नहीं चलता है सीरियल कोई। यही इम्पोर्टेड चीज मिली मैं ले आया। अरे बाबा अब क्या मुसीबत है। मोलू डियर ये लोग इतना शोर क्यों कर रहे हैं? ये शोर करें, ये रक्स करें, इनकी मर्जी, ये इनका घर है। ओ जॉली गुड माय फूड, ये मेरा बेटा है, माय सन। मगर ये तो तुम्हारी तरह इम्पोर्टेंट नहीं है पूरी तरह। अरे बाबा साईं आपकी यारकते देख के ना अम्मा की रूह तड़प रही होगी बाबा। ओ जॉली गुड माय फूड, फिटे मुंह। अरे बाबा जाने भला आपको क्या हो गया है? अरे बाबा मेरा बेटा इम्पोर्टेड हो गया है तो मुझको भी धोना पड़ेगा ना। अरे बाबा छोड़ो, होता है इम्पोर्टेड इम्पोर्टेड कुछ नहीं होता है बाबा, मैं हम लोकल है बाबा, लोकल ही रहेंगे बाबा। क्या बात करते हैं बाबा, भूख से मरा जा रहा हूँ बाबा, जाने कुछ खिला दो। वाकई सच में बच्चू? हाँ बाबा सच कह रहा हूँ बाबा, सच कह रहा हूँ जानी बाबा। अरे बाबा बिरयानी पुलाव जो मिलता है बाबा ले आओ। हाँ मैं पैसे ढूंढ लेता हूँ ले आओ। अरे बाबा तो फिर मेरी तरफ से भी ये ड्रामा खत्म बस। बाबा इसका मतलब है कि बाबा जानी? हाँ बच्चू इसका मतलब ये है कि बाबा साईं को ये सब कुछ करने के लिए मैंने कहा था ताकि आपका ये इम्पोर्टेंट का भूत उतरे। अरे यार बाबा तुम लोगों ने तो मुझे डरा ही दिया था। तो मोलू इसका मतलब अभी एक्टिंग खत्म? अरे मोलू की बच्ची बिल्कुल खत्म। तो मोलू जहाँ से हमें लाए हो वहाँ छोड़ कर नहीं आओगे? अरे बाबा क्यों नहीं, जॉली गुड माय फूड। अरे बाबा साईं फिर? बाबा सॉरी सॉरी सॉरी, वो असल में क्या है बाबा मैं करेक्टर में घुस गया। मदरा साहब ये अपनी पोतियों को भेजे और अब डाइनिंग टेबल पे मैंने खाना लगा दिया चले। अच्छा? मेरा दामाद मुझसे इतना मोहब्बत करता कि हमेशा मेरे को याद करता ना। अंकल ये तो बोल रहा था कि आप बहुत बड़ी बुराई। अरे पापा पापा जानी मैं बताता हूँ इसकी बात, मैं मुकम्मल करता हूँ पापा। मैं कह रहा था कि पापा जानी दुनिया की सबसे बड़ी बुराई को अपने ऊपर लेकर हमको महफूज रखते हैं। अरे बाबा मैं तो फिर इनको जानता ही नहीं हूँ, मैं कौन है बाबा ये? अदा साईं अगर आप नहीं जानते तो बाबा मैं भी नहीं जानती। वैसे एक बात बताएं, यहाँ बात किसकी हो रही है? ये तुम्हारे सामने लाश पड़ा है, मैं हर्षमत। तुम्हें काम क्यों नहीं करती, अपने सारे नौकरों को किराए पे चलाना शुरू कर दो। अरे ये नौकर है कोई साइकिल या मोटरसाइकिल थोड़ी जो किराए पे चलाना शुरू कर दूं। ये तेरी नाअहली जहालत और कम अकली है। बस तू मुझे यहाँ जलील करने आया। नहीं लेकिन अगर मौका मिला तो हाथ से नहीं जाने दूंगा कि ये सारे घर वाले हैं मेरे जूते की नोक पर।
किया? हाँ, और कह रहा था कि भाड़ में जाए सारे लोग, इतने सारे मुझसे काम कराते हैं, मैं उनका कोई काम नहीं करूंगा। तेरा तीर निशाने पे लगा? अरे नहीं, मुझे तो लगता है कि सारे निशाने तीर पर लगे हैं। देख रही हो, फोन पे बिजी हो? अरे बाबा पहले हमारी बात सुनो। हेलो, बहुत मसरूफ हूँ, पर्सनल कॉल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बाद में बात करता हूँ। एक आंटी के चक्कर में पड़ गया है, उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया, वो भी करोड़पति आंटी। इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नौकर वो जाकर भी अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।